स्वागत है आपका आंसर कोच पे। ये YouTube कोर्स फ्री है ताकि कोई भी फ्रीली लर्न कर पाए। अगर आपको लगता है कि हमारे एफर्ट वर्दी हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब यू चैनल फॉर अपकमिंग कोर्सेज। आइए जैंगो की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जब तुमने ये भेजा, ठीक है, तुमने यहाँ पे नंबर हमने पास किए थे 23 और 22, तो 45 हो गया। बट गाइस अब यहाँ पे देखोगे ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऐसे, एड क्वेश्चन मार्क नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 23 नम 2। अब गेट मेथड क्या होता है ना, जब भी आप गेट मेथड यूज करते हो ना, यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हो ना, तो फिर होता क्या है कि जो भी आपका मतलब जो जो डेटा होता है ना, जो आपकी जो भी वैल्यूज होती है वो पास होती है, वो आपके यहाँ बार के अंदर पास होती है, ठीक है। बट वैसा कभी कराना नहीं है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप अगर यहाँ पे मान लो फर्स्ट नंबर की जगह होता पासवर्ड, और अगर आप अपना पासवर्ड डाल रहे होते और अपना पासवर्ड डालते, आपका पासवर्ड तो यहाँ पे शो हो जाता, और कोई बंदा अगर वेबसाइट है कि हैक वक करके आराम से आपका पासवर्ड यहाँ से छीन सकता था। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, मान लो यूट्यूब जब आप खोलते हो, तो अगर आप यूट्यूब पे अगर अपना पासवर्ड डाल के जब डालते हो, तो यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ कभी नहीं आता ना, यहाँ पे बस youtube.com ही लिखा हुआ आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट भेजने के देखो गाइस दो तरीके होते हैं, एक होते हैं गेट, एक होता है पोस्ट। अब पोस्ट तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट तरीका करने के लिए कि आपको यहाँ पे गेट की जगह लिख देना है POST पोस्ट, और यहाँ पे भी लिख देना है ऐसे POST पोस्ट। और गाइस जो हमने यहाँ पे अपना रिजल्ट के अंदर बेसिक में जाके जो हमने यहाँ लिखा था ना, यहाँ पे हमें लिख देना है कि मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब क्या होएगा गाइस कि अब जब आप यहाँ पे सेव करोगे और व्यूज डॉट में भी सेव करोगे और इसको रिलोड करोगे, यहाँ पे मैं फिर से इसे सर्वर चलाना चाहूंगा एक बारी ऐसे करके, ये थोड़ा टाइम ले लेता। अब देखना गाइस, अब मैं जैसे फॉलो नहीं करके खोलूंगा इसको मैं, और अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से 23 34 गाइस देखो। हाँ, अब यहाँ पे ये एरर आ जाता है हमेशा, CSRF टोकन। अब CSRF टोकन क्या होता है गाइस? जब आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो ना ऐसे, तो कभी दिक्कत नहीं आती कोई भी, ठीक है, तो सीधा आपका चल जाता है। पर जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट पूछे ना, तो CSRF टोकन यूज करना होता है। CSRF का मतलब क्या होता है देखिए, यहीं से सीखना CSRF का मतलब क्या होता है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी इज एन अटैक दैट फोर्सेस एन एंड यूजर टू एग्जीक्यूट अनवांटेड एक्शन ऑन वेब एप्लीकेशंस इन विच दे आर करंटली ऑथेंटिकेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि आप लोग एक वेबसाइट चला रहे हो, ये वाली, ठीक है, अपनी एड पुट नंबर चली कोई भी, और आप जब अपने इसके अंदर मान लो आप कभी कभी भी आप जब अपने HTML में जाओगे, आप HREF टैग तो यूज करोगे। अब HREF टैग का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे कोई भी लिंक डाल दोगे ऐसे, HREF टैग करके कोई भी लिंक डाल दोगे, तो ये वहां पे जाके उस लिंक में पहुंच जाएगा, ठीक है, वो HTML का आपको सीखने पड़ेगी। अब मान लो आप यहाँ HREF टैग में डाल देते हो Facebook/delete। अगर आपने Facebook/delete लिख दिया आपने यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आप जैसी वेबसाइट को सर्वर पर लॉन्च करोगे ना, वो गूगल पे जाएगा, www.facebook.com पे जाके डिलीट पे जाके आपका अकाउंट डिलीट कर देगा, क्योंकि आपने तो वो वेबसाइट का URL डाल दिया। इंटरनेट के हिसाब से तो वैसा होना चाहिए ना, इसलिए ये सब चीजें ऐसे बचाने के लिए एक CSRF टोकन यूज करते हैं हमेशा। इसका ये मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना बंदा पोस्ट, वो आप ही भेज रहे हो अपनी वेबसाइट पे, कोई और बंदा आपकी वेबसाइट पे ऐसे हमला ना कर दे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के। आप ही अपने ओनर हो वेबसाइट के जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और कोई रिक्वेस्ट ना भेजे ऐसी आपके वेबसाइट पे। थोड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी JavaScript लिख देते हैं। JavaScript तो हमेशा गाइस कंसोल के अंदर लिखी होती है आपके,
कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, वो कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट लेके आपके इसके अंदर एम्बेड करवा देते हैं, और जैसे एम्बेड करवाते हैं आप जैसे वेबसाइट में कुछ भी पासवर्ड डालते हो, वो जावास्क्रिप्ट में ऐसे छोटा सा फंक्शन डाल देते हैं कि गेट पासवर्ड कुछ भी, आपका पासवर्ड सीधा उनके पास चले जाता है। इसलिए क्रॉस साइट फोर्जरी इस टोकन की मदद करते हैं, इस टोकन की वजह से कोई भी आपकी दूसरी वेबसाइट को इसे हैक नहीं कर सकता, ये हैक्स को मिनिमाइज कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पोस्ट डेटा के लिए होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसको बस यहाँ से ऐसे कॉपी करके आपको अपने यहाँ पे डाल देना, खत्म, और कुछ नहीं करना। अब सेव कर देना, इतनी सी बात करनी थी। अब आप जैसे ही करोगे कंटिन्यू, यहाँ पे वापस जाओगे, आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आप नंबर डालोगे 23। मुझे लगता है सर्वर वापस शुरू करना पड़ेगा शायद, हाँ सर्वर वापस शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे इसको ना। इसके बाद डालना होता है जहां पे आप यूज करते हो पोस्ट रिक्वेस्ट। अब जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे ऐड पे अपना, हम यहाँ पे लिखेंगे 34 और हम लिखेंगे 1 3 4 22 1 हो गया, ये देखिए गाइस 3 4 2 3 हो गया, ठीक है 23 लिखा है यहाँ पे भी 23 लिखा, 46। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपका सिर्फ ऐड आया है 34, अगर मैं 34 लिखूंगा यहाँ पे 3 4 2 3 यहाँ पे ऐसी कुछ भी लिखूंगा, देख लो यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे। पहले आप लोगों के गेट, जब आपने गेट रिक्वेस्ट लिखा था तो सारे के सारे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहे थे। इसलिए हम हमेशा पोस्ट और CRSER टोकन की यूज करते हैं ताकि हम अपना डेटा हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर पाए। और आखिरी में मैं जैसे ये कहना चाहूंगा कि ये बस एक छोटी सी स्टार्ट है, अगर आपको और लर्न करना है तो रजिस्टर कीजिए हमारे प्रीमियम लाइव क्लासेस के लिए, जहाँ पे आप हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हम आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।